केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान बिलासपुर में आयोजित आखिरी कार्यक्रम में जहां कोठीपुरा में स्थानीय लोगों ने जमकर अनुराग ठाकुर का स्वागत किया, तो वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज देश में सबसे सफल विदेश नीति 70 वर्षों में अगर किसी ने बनाई है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आगे बढ़ने का काम किया, पहले देश का प्रधानमंत्री बनाया और फिर इस लायक बनाया कि उन्होंने अपनी मेहनत से दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए। जो व्यक्ति कल तक 5 साल पहले तक एक राज्य का मुख्यमंत्री था, शायद विदेश नीति का पता भी नहीं होगा, आज सबसे सफल विदेश नीति 70 वर्षों में किसी ने बनाई तो नरेंद्र मोदी जी ने कर दी। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता। आपने आज अखबार में फोटो देखी होगी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे, ये तो मेरे लिए भी आपने ज्यादा लंबा कारपेट दिया। हाउडी मोदी, कहां पर हुआ? अमेरिका के ह्यूस्टन में। क्या मतलब है इस कार्यक्रम का, आप कल्पना कर सकते हैं? क्या कर रहे हैं? दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति से उसी स्तर पर आगरपुर के प्रधानमंत्री बात नहीं कर सकते थे, आज नरेंद्र मोदी जी उनसे हाथ भी मिलाते हैं, गले भी लगाते हैं, कंधे पर भी हाथ रखते हैं, और जब 50,000 से खचाखच भरा हॉल और बाहर हजारों लोग इंतजार कर रहे होते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ वो मंच साझा करने उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। मोदी ने अपनी ताकत वहां कर्मचारियों को ज्यादा पैसा मिलेगा, निवेश और ज्यादा होगा और ज्यादा उद्योग बढ़ेगा और ज्यादा रोजगार होंगे। और जो दूसरा निर्णय लिया कि दुनिया भर की कोई भी कंपनी हो भारत में आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए, नया उद्योग खड़ा करे, तो उनको केवल 15% टैक्स देना पड़ेगा और सरचार्ज मिला के 17% बनता है। कहां 34-35% टैक्स देना पड़ता था, कहां केवल 17% टैक्स देना पड़ेगा, अब एशिया, साउथ ईस्ट एशिया सब देशों में अमेरिका के बराबर इतना कम टैक्स भारत ने कर दिया है। अब दुनिया भर की कंपनियां भारत आएंगी निवेश। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट।